रीवा में विद्युत विभाग में पदस्थ सीनियर इंजीनियर शरद श्रीवास्तव पर विभाग की जूनियर इंजीनियर ने शरद श्रीवास्तव के सीधी में पदस्थगी के दौरान हुए अपने साथ यौन शोषण का आरोप लगाया है। हालांकि इस मामले की शिकायत पहले पीड़ित महिला कर्मचारी ने अपने एमपीबी विभाग में की थी, लेकिन एमपीबी विभाग के लोगों ने जब कोई कार्यवाही नहीं की तब परेशान होकर जूनियर इंजीनियर जो इस समय सिंगरौली में पदस्थ है उसने इसकी शिकायत अजाक थाने सिंगरौली में दर्ज कराई, जिसके बाद अब मामला पंजीबद्ध कर लिया गया और इसकी जांच सिंगरौली नगर पुलिस अधीक्षक देवेश पाठक के द्वारा की जा रही है। एससी एसटी मामला दर्ज होने की भनक लगते ही बिजली विभाग में पदस्थ कर्मचारी शरद श्रीवास्तव फरार बताए जा रहे हैं। देखिए सिंगरौली जिले से बीएसपी 24 न्यूज से चेयरमैन बालकृष्ण तिवारी की है खास रिपोर्ट। फिर एमपीवी में एक कर्मचारी ने महिला कर्मचारी ने अपने अधिकारी के ऊपर आरोप लगाए हैं, सर क्या करने जा रहे हैं, सर क्या आरोप हैं? सर ये महिला कर्मी एमपीवी की आरोप लगाई है जिसमें 354 और SC ST एक्ट का मुकदमा AJK थाना में कायम किया गया है। उसकी अभी तक विवेचना थाना प्रभारी AJK द्वारा की जा रही थी, अब वो विवेचना मुझे सुपुर्द कर दी गई है। अब आगे उसका अध्ययन करेंगे, उसमें कार्यवाही करेंगे जो भी है। अभी क्योंकि मामला विवेचनाधीन है इसलिए अभी तत्कालिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये अधिकारी की गिरफ्तारी भी हो पाई क्या सर? अभी बता रहा हूँ कि अभी अब मुझे कल ही ये मामला विवेचना में मिला है और पहले इसमें साक्षियों के और शिकायतकर्ता के कथन लिए जाएंगे, बाकी साक्षियों का परीक्षण किया जाएगा, उसके पश्चात जो भी प्रक्रिया है वो